नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर प्रीति, लक्ष्मण सेठ हॉस्पिटल एंड आई डी एफ सेंटर झांसी से। ये बहुत ज़्यादा लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है कि IVF प्रेगनेंसी और नेचुरल प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो मैंने सोचा कि मेरे पास ये क्वेरी आई, तो आई थॉट कि हम ये क्वेरी को दूर करें पेशेंट्स की, कि नेचुरल प्रेगनेंसी और IVF प्रेगनेंसी में क्या फ़र्क होता है। बहुत सारे पेशेंट्स तो ऐसे पूछते हैं कि जो IVF प्रेगनेंसी होगी उसमें बच्चा कैसा दिखेगा, नॉर्मल तो होगा, एबनॉर्मल तो नहीं होगा। तो ये बहुत सारे मिथ्स हैं। सी, IVF इज़ जस्ट एन असिस्टेड प्रोसीजर। तो हम केवल असिस्ट करते हैं, है ना। जो चीज़ें नेचुरली नहीं हो रही हैं वो हम लैब में एग्स अच्छे बना के बाहर निकाल के एम्ब्रियो डेवलप करके वापस डालते हैं। जीन्स जो जेनेटिक उसका वो है, वो फादर और मदर का ही होगा, कैरेक्टर्स सारे उनके ही होंगे और उसके अकॉर्डिंग ही सब चीज़ें, जैसे नेचुरली जो एक बच्चा डेवलप होता है, जो एम्ब्रियो डेवलप होता है, इतने सेल्स फिर इतने सेल्स फिर इतने सेल्स, सब कुछ नेचुरली ही होगा। देयर इज़ नो डिफरेंस। अब मैं आपको मेनली डिफरेंस बताती हूँ। नेचुरल प्रेगनेंसी में क्या होता है, सब कुछ बॉडी के अंदर होता है। फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हुआ, फिर यूट्रस में लगा, फिर उसके बाद प्रेगनेंसी डेवलप हुई। जो हम लोग IVF प्रेगनेंसी करते हैं, बिकॉज नहीं हो रही है तो हम एग्स को बाहर निकालते हैं, एम्ब्रियो बाहर बनाते हैं, फिर अंदर रखते हैं यूट्रस के अंदर। ग्रोथ पूरी दोनों में यूट्रस में ही होती है, सिवाय थोड़े से इनिशियल डेज के इन IVF प्रेगनेंसी। तो क्या होता है कि जो नेचुरल प्रेगनेंसी होती है उसमें सारे हार्मोन सब कुछ बॉडी में ऑलरेडी होता है, तो हमें ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट कभी कभी नेचुरल प्रेगनेंसी में भी अगर बच्चे कई बार ख़राब हुए हों या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आए, ब्लीडिंग हो कुछ हो, तो हमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट तब भी चलाना पड़ता है। और जो IVF प्रेगनेंसी होती है, बिकॉज उसमें बॉडी के अंदर हमने बॉडी के बाहर डेवलप किया है सब कुछ, तो जो हार्मोन्स होते हैं वो कई बार लैकिंग होते हैं, तो हमें पूरा ल्यूटियल सपोर्ट प्रॉपर देना पड़ता है, जिससे कि जो एम्ब्रियो हमने डेवलप करके बाहर अंदर डाला है वो बॉडी में एंडोमेट्रियल लाइनिंग में स्टिक हो जाए, प्रॉपरली डेवलप हो, जिससे आपको प्रेग्नेंट हो और आपकी प्रेगनेंसी डेवलप हो। तो शुरू के इनिशियल 3 मंथ्स जो नेचुरल प्रेगनेंसी होती है उसमें अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी है, कभी कोई बच्चा ख़राब नहीं हुआ, तो हमें इतने ज़्यादा सपोर्टिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, सिवाय फोलिक एसिड और अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, नौजिया, वॉमिटिंग, कोई जो मतलब कुछ भी अगर सिम्टम्स हो रहे हैं तो उनके ट्रीटमेंट के अलावा। लेकिन जो IVF प्रेगनेंसी हो रही है, क्योंकि हमने बाहर डेवलप करा है, तो हमें ल्यूटियल सपोर्ट प्रॉपर देना पड़ता है, या फिर IUI प्रेगनेंसी होती है तो उसमें भी देना पड़ता है, लेकिन कंपैरेटिवली कम, इसमें थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है शुरू के 3 to 4 मंथ्स, जब तक अबॉर्शन वाला टाइम होता है। उसके बाद हम उसे नेचुरल प्रेगनेंसी की तरह ही ट्रीट करेंगे। बट यस, कई बार जैसे नेचुरल प्रेगनेंसी में भी, जैसे मैंने बताया कि प्रेशियस प्रेगनेंसी है, अबॉर्शंस हुए हैं या कुछ स्पॉटिंग हुई है या कोई और प्रॉब्लम है, तो हमें उसमें भी प्रॉपर प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। और IVF प्रेगनेंसी में भी हमें प्रॉपर प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, बिकॉज सी प्रेशियस प्रेगनेंसी तो है ही, हम इतना सारा खर्चा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो हमें प्रॉपरली ये करना पड़ेगा कि हमें बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो, प्रॉपरली डेवलप हो, अपना स्ट्रेस लेवल कम रखें, बहुत ज़्यादा भारी वजन ना उठाएं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेनस एक्सरसाइजेस ना करें, बाकी नेचुरल सब चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन ये नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी हम लोगों को प्रिकॉशंस पेशेंट्स को बोलने पड़ते हैं और उनको करना पड़ता है, अगर उनकी कोई भी अबॉर्शन की हिस्ट्री है या कुछ है। सो इट्स नथिंग डिफरेंट, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। इट इज़ जस्ट दैट शुरू के इनिशियल डेज में हम फर्टिलाइजेशन बाहर करते हैं, एम्ब्रियो शुरू में थोड़ा सा बाहर डेवलप होता है, तो हमें प्रॉपर सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना पड़ता है। तो दोनों सेम हैं, बच्चों में जो पैदा होंगे उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए एंड टेक केयर।